मधुबनी से एक खबर सामने आ रही है, जहां मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के पीएससी उमगांव में एक्सरे करवाने के लिए मरीजों को 6 माह से इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। वहीं उक्त सरकारी अस्पताल की एक्सरे मशीन बंद होने के कारण मरीजों को निजी अस्पतालों में अपनी जेब ढीली करके एक्सरे करवाने पड़ रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय संतोष कुमार महतो समेत कई लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में जब से एक्सरे मशीन लगा है तब से यही हाल है। एक्सरे रूम या तो बंद रहता है या फिर मौजूद कर्मी लो वोल्टेज बताकर मरीजों को कहीं और एक्सरे करवाने का नसीहत देते हैं। इस संबंध में अस्पताल के एक्सरे संचालक संजय कुमार ने आवेदन कर रिसीविंग दिखाते हुए बताया कि दो दो बार प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को समस्याओं से संबंधित आवेदन दे चुके हैं, जिसके बाद प्रभारी का कहना है कि एक्सरे मशीन को 3 फेज में कम से कम 360 से 400 तक वोल्टेज चाहिए, तभी मशीन चल सकेगा। इसके लिए स्टेबलाइजर की जरूरत है, लेकिन दो बार आवेदन के बावजूद भी प्रभारी के द्वारा स्टेबलाइजर उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, जिस कारण एक्सरे नहीं हो पाता है। वहीं जब पीएससी प्रभारी से दूरभाष पर बात किया गया तो उनका कहना है कि इस समस्या की जानकारी मुझे नहीं है। गौरतलब है कि अस्पताल में 6 महीने से एक्सरे बंद पड़ी है और प्रभारी इस बात से अनजान है। ऐसे में उनके कार्यशैली पर सवाल उठाना लाजमी है। मधुबनी से मनीष कुमार की रिपोर्ट। सर, एक्सरे का बराबर तो शिकायत मिल रही है। नहीं तो वही नहीं, आप कह दीजिए ना क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। जो सीएससी केंद्र है यहाँ पर, जो एक्सरे मशीन यहाँ पर लगाया गया है और बराबर या तो बंद देखा जाता है या तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक्सरे नहीं किया जा रहा है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बंद नहीं रहती है, ड्यूटी पर हम हमेशा रहते हैं। और अगर बात एक्सरे की, तो मशीन में वोल्टेज जो है ना 360 से 440 के बीच 3 फेज में होनी चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं होती है। एक भी पॉइंट अगर कोई भी फेज में कम हो जाता है तो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसके लिए हमने स्टेबलाइजर के लिए आवेदन दे रखा है, स्टेबलाइजर लगते ही काम सुचारू रूप से। कब से लगना है, किनको दिया आवेदन जी? आवेदन किनको किए हैं स्टेबलाइजर के? हम तो अपने प्रभारी सर को, सीएससी का जो प्रभारी जी हैं। कौन है वर्तमान में प्रभारी जी? के डी राय। के डी राय को शायद प्रभार मुक्त किए गए थे क्या? अजीत बाबू किसको? अजीत सर के डी राय जी हैं, उनको आप आवेदन किए हैं जी, जी। कि इनको जो एक्सरे में जो वोल्टेज पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसको ये करने के लिए जी जी। क्या पर्चे क्या हो आपका? पर्चे आपका पर्चे संजय कुमार। क्या हुए आप? जॉब की बात। काम क्या है, क्या पद पे हैं आप यहाँ पर? एक्सरे टेक्नीशियन।